नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। आइए एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आपकोट गांव से पोपट खेल जाने वाले रास्ते पर दोपहिया वाहन और टीपर की टक्कर, दोपहिया वाहन चालक की मौत। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में दो राशन दुकानें सस्पेंड। वन विभाग के हाथ नहीं आ रहे मगरमच्छ, करनी पड़ रही है मशक्कत। देखते हैं अब खबरें विस्तार से। आकोट गांव से पोपटखेड़ जाने वाले रास्ते पर एक टीपर और दोपहिया वाहन की जबरदस्त टक्कर में दोपहिया वाहन चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोपहिया वाहन चालक के भाई ने आकोट ग्रामीण पुलिस में टीपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया। जानकारी के अनुसार 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे के करीब यह भीषण दुर्घटना घटी। 37 वर्षीय व्यक्ति अपनी बाइक से आकोट से अपने खेत पर जा रहा था, तभी योगीराज फार्म के पास टीपर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार की वहीं पर मौत हो गई, उसकी बाइक भी सामने से टूट गई। जानकारी के अनुसार टीपर भी रास्ते के बगल में पलट गया था। दोपहिया वाहन चालक के भाई को खबर मिलने पर उसने आकोट ग्रामीण पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अगली खबर, खाद्यान्न आपूर्ति विभाग ने सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में शहर के दो राशन दुकानों को सस्पेंड कर दिया है। खाद्यान्न विभाग की ओर से यह कदम पुलिस कार्रवाई के बाद उठाया गया। पुलिस उपायुक्त गजानन राजमानी के विशेष दस्ते ने सहकारी संस्था पर कार्रवाई की। सरकारी अनाज की कालाबाजारी करने के आरोप में राशन दुकान के संचालक भोजराज पारशिवनीकर व दिनेश तित्रे को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली खबर, नागपुर वन विभाग की ओर से महाराजबाग जू के पीछे नाले में घूम रहे मगरमच्छ के लिए मंगलवार की शाम को पिंजरा लगाया गया। कर्मचारियों को पिंजरा लगाने के लिए दिन भर कवायद करनी पड़ी। नाले में छिपा हुआ मगरमच्छ लगातार उनकी गतिविधियां देखता रहा। वन विभाग बार बार जगह बदलता रहा, आखिरकार एक जगह पर पिंजरा सेट किया गया है। मगरमच्छ को फंसाने के लिए पिंजरे में दो मुर्गियां, मगरमच्छ बार बार बाहर आने से दिन भर पिंजरा लगाने में दिक्कत हुई, लेकिन शाम तक इसे लगाया गया। दाना बनाकर पिंजरे में मुर्गियां भी रखी है, जिससे मगरमच्छ के फंसने की संभावना है। इसी के साथ देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहे एमएनएस न्यूज लाइव। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।